बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीरुल्लाह, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो एक तस्वीर है, ज़रा इसको गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है शाही स्वीट्स, शाही स्वीट्स, इसका मतलब, और प्रिंटिंग को चेक करें, शाही जो ख़ानदान होते थे ना पहले, ये उस वक्त की अक्स की गई तस्वीर है, और इतनी महारत से बनाई गई है कि आपकी सोच होगी ये हाथ से बनी हुई प्रिंटिंग है। ये कोई प्रिंटिंग प्रेस पे कंप्यूटराइज नहीं है कि भी जो सा मर्जी डिज़ाइन डालें, ये हाथ से बनी हुई नफासत के साथ। क्योंकि मुझे पता है तस्वीर आर्टिस्ट करना कितना इंतहाई अहम काम है, और बहुत बहुत मेहनत का काम है, बहुत बारीक बीनी का काम है, और हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे के बस की बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे दिल में एक दफ़ा शौक आया तो मैंने इलामा इकबाल की रातों रात तस्वीर बना दी, और ये बनाना कितना फ़न का काम है। हमारे साथ एक बहना मौजूद हैं, माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, पढ़ी लिखी हैं, हाथ से प्रिंटिंग बनाती हैं और सेल आउट भी करती हैं। ये शौक इनको कैसे पैदा हुआ, इसका क्या स्कोप है, कैसे करती हैं? घरों की, आपके घरों को चार चांद लगाने वाली ये वो तस्वीरें हैं, आपके घरों को, आपकी गैलरीज को, आपके बेडरूम्स को चार चांद। और अपनी मर्जी से आर्टिस्ट का काम क्या होता है, स्केच बना देना, जो आप चाहते हैं आपके स्केच आपके हाथ में हो, ये आर्टिस्ट होता है। हमारे साथ बहना मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेंटिंग बनाती हैं, इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, इनसे जानते भी हैं सारा कुछ, कैसे बनाती हैं, कहाँ से सीखा, कैसे शौक आया, इस फील्ड में कैसे आई, सारी बात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मौजमा। मौजमा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? BSc। माशाल्लाह। तो मौजमा, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने आर्टिस्ट बनना है? बचपन से शौक था, किसी ने लगाया, कैसे जहन में ख्याल आया? बस बचपन से ही शौक था, स्केचिंग किया करती थी, तो उसके बाद सोचा कि पेंट करके देखते हैं कि कैसा फील होता है, तो बस पेंट करना शुरू किया 2 साल पहले से, और फिर 2 साल में मैंने पेंटिंग्स बना ली काफ़ी। मजमा, मुझे ये बताओ कि इस स्कूप में आपको आए हुए कितनी देर हो गई है? तकरीबन 2 साल से मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ। तो क्या आपको इसका रिस्पॉन्स मिला है? काफ़ी लोग पसंद करते हैं आर्ट को, हैंडमेड पेंटिंग्स को कदर करते हैं काफ़ी, और अच्छा रिस्पांस मिला है। कोई पैसे अर्निंग वगैरह भी अच्छी होती है या नहीं? हाँ, अर्निंग के लिए थोड़ा ये है कि वेट करना पड़ता है सब्र से, और अर्निंग भी हो जाती है जब आप कंसिस्टेंसी से काम एक करते रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब बचपन से ही करती आ रही हैं या अब आके शुरू किया, 2-3 सालों में ही हाथ सीधा हुआ है? पेंट्स के साथ तो मैंने 2 साल पहले ही शुरू किया है, बचपन में तो जस्ट पेंसिल के साथ, कलर्स पेंसिल के साथ स्केचिंग या ड्राइंग वगैरह होती थी जैसे बच्चे नॉर्मली करते हैं, लेकिन 2 साल पहले मैंने इसको पेंट्स के साथ, ब्रशेस के साथ करना शुरू किया 2 साल पहले। सबसे महंगी कोई आपने पेंटिंग बनाई हो जो अच्छी प्राइस में आपकी सेल आउट हो गई हो? हाँ, एक कैलीग्राफी पेंटिंग थी, बड़ा साइज़ था वो, 50,000 में मैंने सेल की थी ऑनलाइन। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा कोई यादगारी पिक्चर्स आपने बनाई हो? डिफरेंट, मैं कैलीग्राफी बनाती हूँ, लैंडस्केप और सूफी आर्ट बनाती हूँ, हॉर्सेस की पेंट, हॉर्सेस पेंट करती हूँ, डिफरेंट मेरे मतलब मिक्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बताएं कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी आप तस्वीर बना दें, आप मेरी तस्वीर बना देंगी? पोर्ट्रेट नहीं मैं बनाती, मैं जस्ट लैंडस्केप और एनिमल्स और इस तरह कैलीग्राफी पेंट करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंट करती हूँ, और हर पेंटिंग को बनाने में डिफरेंट टाइम लगता है, कुछ में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ में महीना भी लग जाता है, किसी को एक दिन में ही मैं कवर कर लेती हूँ, और कुछ को एक वीक लग जाता है, डिपेंड करता है पेंटिंग्स के ऊपर। कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं है, इंसान के हाथ के बस की बात है कि जो मर्ज़ी चाहे। यकीन करें, मैंने बचपन में सिर्फ रात को सोचा और रातों रात 2 से 3 घंटे लगाए इलामा इकबाल की तस्वीर बना दी, और हाथ से पेंसिल से बनाई, पेंसिल के कलर से बनाई, वो मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं वो आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा नाज़रीन, ये 2 साल से अटैच हैं और ये पोर्ट्रेट बनाती हैं मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के, उन्होंने आपको बता भी दिया, हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपको भी कहते हैं, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इनके साथ तआवुन करें, घर में लेकर जाएँ, लगाएँ, आपने अपने घर को चार चांद भी लगा देंगी। कोई पैगाम देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? जो भी आपको करने का शौक है उसको करें, जारी रखें और मेहनत करें, और मायूस ना हो कभी भी, पॉजिटिव रहें। तो जो लड़कियां काम करना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
ज़रूर कुछ भी आपका कोई भी मकसद है या किसी भी चीज़ में आप फील्ड में जाना चाहती हैं तो आप उसमें लाजमी कोशिश ज़रूर करें और ख़ुद से मतलब कोशिश जारी रखें। अगर कोई आपको टीचर नहीं अवेलेबल तो गूगल इज़ द बेस्ट टीचर, यूट्यूब से हेल्प लें तो आप हर सब कुछ सीख सकती हैं। अच्छा, कलर्स कौन से यूज़ करती हैं आप ज़्यादा? मोस्टली मेरे ज़्यादातर पेंटिंग्स में ब्लू कलर मोस्टली यूज़ हुआ हुआ है। नहीं, मेरा आई मीन टू से के वाटर कलर यूज़ करती हैं, पेंसिल कलर यूज़ करती हैं? आप मीडियम पूछ रहे हैं। मैं एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो वो कॉस्टली होते हैं? हाँ, वो ज़रा ऑयल पेंट से भी ज़्यादा कॉस्टली हैं। उसकी पेंटिंग अच्छी है। अच्छा, अब आपने कभी हाथ से जो पेंसिल होती थी उस पेंसिल पेंट वो उनसे कभी कलर से आपने बनाया आप कभी? पेंसिल नहीं, कलर पेंसिल से तो बनाया हुआ काफ़ी टाइम हो गया है। बस ये है कि हल्का सा पेंसिल से स्केच करती हूँ, उसके बाद पेंट कर लेती हूँ उसके ऊपर बस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनों की तरह है, काम कर रही हैं मेहनत से, दिल से, लगन से, इंसान करता रहे, कंटिन्यूसली करता रहे तो सक्सेस इंसान को खुद ही मिल जाती है, बल्कि सक्सेस आपके कदमों में आकर गिरती है। इंसान लगन से, दिल से, कंसिस्टेंसी काम करता रहे। नाज़रीन, इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, नक्शे में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज़।